चमोली की घटना को लेकर अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों टन वजनी चट्टानों और लाखों टन बर्फ के सीधे 2 किलोमीटर तक लगातार नीचे गिरने की वजह से इलाके में तापमान खासा बढ़ गया था। नतीजतन बर्फ तेजी से पिघल गई और जल प्रलय आ गई, जिसकी वजह से भारी तबाही देखने को मिली। शोध के दौरान अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के कई साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे में चमोली जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। इसके लिए दुनिया के सभी देशों को चौकन्ना रहना होगा। हालांकि यूनियन ने भारत की ओर से राहत और बचाव कार्य की तारीफ की और कहा कि नेपाल में जब 2012 में आपदा आई थी तो उस वक्त नेपाली सरकार को बचाव अभियान शुरू करने में काफी दिन लग गए थे।